हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे टेड गबरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल रुद्र टॉक्स पे। तो दोस्तों, गरीब होने के कारण गुरु रंधावा जी को छोड़ दिया था लड़की ने, फिर उसी लड़की से कैसे लिया बदला गुरु रंधावा जी ने, और क्या है उनका असली नाम, कब उनको पता लगा कि उनको अपने आप को स्टार बनाना है, और एक गांव से आया वो लड़का कैसे बन गया सुपर स्टार सिंगिंग पॉप सेंसेशन, पूरी जानकारी मैं दूंगा दोस्तों। वीडियो में बने रहें, वीडियो आधे में छोड़ के ना जाए, सब मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा, बिल्कुल डिटेल्ड है मेरे पास दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार मेरे चैनल को, तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट की सारी खबरें मैं आपको इतने प्यार से बताता हूँ जितना प्यार से कोई नहीं बताता होगा। मैं आप सबका दोस्त हूँ, भाई हूँ, मेरा सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के मैं क्योंकि जल्दी बताता हूँ आपको, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, कहानी दरअसल शुरू होती है एक गुरदासपुर पंजाब के छोटे से गाँव में, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर जन्म हुए लड़के की, और उनका पूरा नाम है गुरु रंधावा नहीं। जी हाँ दोस्तों, उनके बचपन का नाम गुरु रंधावा नहीं है, उनका बचपन का नाम है गुरु संजोत सिंह रंधावा। जी हाँ दोस्तों, और ये कहानी शुरू होती है दोस्तों पंजाब के एक गांव के लड़के की, जो कि पाकिस्तान से काफ़ी सटा हुआ बॉर्डर है, और वो वहीं पे रहते हैं दोस्तों। लेकिन वो अपने खेतों खलिहानों से बहुत अच्छे तरह से जुड़े हैं, अब भी वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कितना वो मिस करते हैं अपने गाँव को, और दोस्तों बार बार वो जाते रहते हैं क्योंकि वो उस लाइफ को भूलते नहीं है, वो हम्बल इंसान है, तो इसलिए ऐसा करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूँ कि क्या हुआ था उनको लड़की ने क्यों छोड़ा था। दरअसल दोस्तों, गुरु रंधावा जी ने पढ़ाई क्योंकि दिल्ली में की है MBA की, हाँ दोस्तों वो पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा है, MBA की उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, छोड़ी नहीं आधे में। तो वो उन्होंने सोच लिया कि मुझे भाई सिंगर बनना है, तो वो दिल्ली आ गए, यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया और पढ़ाई भी शुरू कर दी, तो उनको हो गया प्यार। जी हाँ दोस्तों, प्यार हो गया, और उसके बाद लेकिन उस लड़की ने छोड़ दिया उन्हें, मतलब उन्होंने जैसे प्रपोज किया उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे साथ रिलेशन में आ सकती, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम गांव से आए हुए लड़के हो, तुम्हें अच्छे से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, तो सॉरी गुरु, आई डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल फ्रॉम यू। गुरु रंधावा ने कहा ओके भाई ठीक है, और अपने काम पे लगे रहे। उनके बाद उन्होंने पहली एल्बम, अपनी पहली सॉन्ग सिंगल बनाई उन्होंने सेम गर्ल, जो कि नहीं चली क्योंकि उस टाइम पे उनको कोई जानता नहीं था, इतना स्कोप नहीं था, तो उनकी नहीं चली, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर मेहनत किया, उसके बाद उन्होंने एल्बम सोची निकालूंगा, अपने भाई से आर्थिक मदद ली पैसों की, और उनकी एल्बम आई, एल्बम भी नहीं चली उतनी क्या, बिल्कुल ही नहीं चली, लोगों में पसंद ही नहीं हुआ उस टाइम पे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर भी लगा रहा, मतलब गुरु रंधावा ने कहा मैं अब भी लगा रहूँगा जब तक कि मैं अपना सपना पूरा नहीं करूँ। उसके बाद उन्होंने फिर काम किया, और उसके बाद छट गई उन्होंने बनाया गाना, जो कि गाना थोड़ा बहुत चला, लेकिन उनको उस तरह का नाम नहीं मिला जैसे के लिए वो उनके सॉन्ग जाने जाते। वो गाना बहुत अच्छा है दोस्तों, अब भी है, आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गाना भी नहीं उतना रिकॉग्नाइज हुआ, उनको उतना नाम नहीं मिला। उसके बाद गुरु रंधावा कैसे मिले बोहिमिया से, रैपर बोहिमिया, उसके बाद उन दोनों ने साथ में गाना गाया पटोला, जो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। जदो निकले पटोला बन के मित्रा दी जानते बने, जी हाँ दोस्तों, ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ, हर घर में बच्चे लड़के, खास करके लड़कों में ये गाना इतना ज़्यादा हिट हुआ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, पंजाब में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, नॉर्थ एरिया में गुरु रंधावा का मतलब छा गया जादू। और उसके बाद दोस्तों उनके लगातार गाने आते रहे, टी सीरीज में वो साइन हुए, उसके बाद उनका जलवा बरकरार रहा, हाई रेटेड गबरू लाहौर, और इतने सारे बॉलीवुड में भी उनको काम मिले। और दोस्तों फिर आपको बता दें कि उसी लड़की ने उनको फ़ोन किया जब वो स्टार बन के, जी हाँ दोस्तों, जिसने मैंने आपको शुरू में बताया था छोड़ दिया था। तो गुरु रंधावा ने कहा हाँ कौन, उन्होंने कहा हाँ जी मैं वो बोल रही हूँ जिसको आपने प्रपोज किया था पहले। उन्होंने कहा जी मैंने आपको पहचाना नहीं, तभी आपने मुझे छोड़ दिया था, आज मैं आपका प्रपोजल रिजेक्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोगों का वो देख के करती हो कि वो अमीर है गरीब है, मतलब ये नहीं है, आप दिल से मुझे पसंद कर रही हो इस वजह से कर रही हो, ये उन्होंने दिखाया दोस्तों। वैसे गुरु रंधावा जी बहुत हम्बल इंसान है दोस्तों, और उनकी जर्नी काफ़ी कुछ सिखाती है, जो भी लड़के नए कुछ टैलेंटेड हैं करना चाहते हैं दोस्तों आप और मेरी तरह। तो दोस्तों मैं आपको ये स्टोरी बताया हूँ, आई होप कि आपको पसंद आई होगी उनकी स्टोरी, और काफ़ी ज़्यादा आपको भी इंस्पिरेशन मिला होगा, मुझे तो बहुत मिलता है गुरु रंधावा जी की स्टोरी से। बाकी दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखें, टेक केयर दोस्तों, और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत